कि युवस विश्व फी सुदूर इन्नास, युवस विश्व फी सुदूर इन्नास, इससे पहले क्या फरमाया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवसविसु फी सुदूर इन्नास। देखिए जब यहाँ पर बर्तानिया को कोई नौजवान पब्बू और क्लबों की जीनत बना होता है, हम उसे दीन इस्लाम की दावत देते हैं, हम कहते हैं शराब छोड़ दे, हम कहते हैं गुनाह छोड़ दे, हम कहते हैं जिना से तोबा कर ले, हम कहते हैं सूद से तोबा कर ले, हम कहते हैं जुल्म से तोबा कर ले, हम कहते हैं क्राइम से तोबा कर ले, वो कहता है तोबा नहीं करूंगा। क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं करता तोबा, क्योंकि शैतान वसवसे डालता है, शैतान उसे तोबा करने नहीं देता, शैतान तोबा की इजाजत नहीं देता, शैतान गुनाहों की लज़ात से उसे आगाह करता है, बार बार याद दिलाता है फुलां गुनाह की क्या लज़त है, फुलां हराम काम में कितना फायदा है, फुलां हराम कारोबार में कितना फायदा है। शैतान उसको दुनिया के फवायद याद दिलाकर नेकी की तरफ आने नहीं देता, तो जो नेकी की तरफ आने नहीं देता उसे शैतान कहते हैं, जो नेक बनने नहीं देता उसे शैतान कहते हैं। वो शैतानी वसवसे हैं जो एक नौजवान को मस्जिद में नहीं आने देते, वो शैतानी वसवसे हैं जो एक इंसान को दीन की तरफ राग़िब नहीं होने देते। लेकिन जब कोई नौजवान औलिया की महाफिल में आता है, गौसे आज़म पीराने पीर मीरा दस्तगीर के याद करने वालों की महफिल में आता है, उनके मानने वालों की महफिल में आता है, ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की छठी की महफिल में आता है और फिर दुआ करता है, जिक्रुल्लाह की महफिल में आता है, तौबा का जज्बा बेदार होता है, तायब हो जाता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, उसकी आंखों में अश्कों की बरसात होती है, वो कहता है ये अल्लाह वाले हैं, मैं अल्लाह वालों की सोबत में तायब हो जाऊंगा, मैं तौबा करूंगा, दीन का दाई बनता है। उस वक्त जब वो आना चाहता था लेकिन कोई ताकत उसे आने नहीं देती थी, वो कौन सी ताकत थी जो उसे रोकती थी, कहा जाता है वो शैतानी वसवसे हैं। फिर एक और वसवसा पैदा होता है, अरे औलिया की महफिल में जाएगा शिर्क हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा बिदअत का मुर्तकिब हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा गुनहगार हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा ऐसा शिर्क कर बैठेगा कि आखिरत में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, अल्लाह के प्यारों की महफिल में जाएगा, अरे ये तो मिलाद मनाने वालों की भी महफिल है, ये तो हुजूर को पुकारने वालों की महफिल है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने अलापेगा, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेगा, उनको पुकारना भी तो शिर्क है, उनकी मिलाद मनाना भी तो बिदत है। तो ये वसवसे कौन पैदा करता है, मैं कहा करता हूँ वो वसवसे जो इंसान को नेकी की तरफ राग़िब नहीं होने देते, जो इंसान को मस्जिद में आने नहीं देता वो शैतानी वसवसा है, और जो आ जाए उनको दीन में आगे बढ़ने नहीं देता ये खन्नासी वसवसे हैं, ये वसवसा एक खन्नास है, ये खन्नास का वसवसा है, वो शैतान का वसवसा है, शैतान मस्जिद में आने नहीं देता, जो आ जाता है उसे रूहानी तरक्की से रोकने वाला कौन है, खन्नास है, खन्नास शैतान ही की एक सूरत है, खन्नास शैतान ही की एक सूरत है जिसमें वो मुतशक्किल होकर आता है। तो जो नौजवान आना चाहता है, जो उसे आने से रोकता है वो शैतान है, और जो आ जाता है उसे मिलाद से रोकता है वो खन्नास है। तो पैगाम मोहब्बत आम करते हैं, किसी के खिलाफ हम कलाम नहीं करते, हम किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, बोलने की जरूरत ही क्या है, हम तो अपने नफ्स से लड़ते रहते हैं, कभी शैतान से लड़ते हैं, कभी खन्नास से लड़ते हैं, और ये तो यहाँ का तुर्रा इम्तियाज है ना कि आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ। अब एक